गुड आफ्टरनून माई लवली चिल्ड्रेन, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोग के साथ जुड़े हैं वीडियो के माध्यम से। जैसे बच्चों अभी हम लोगों ने सेफ्टी रूल जाना, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जाना और एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स के बारे में जाना, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने साइंस के थ्रू जाना कि और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने जाना। तो आज हम लोग फिर एक हमारे ज्ञान में एक चीज़ की और वृद्धि हो रही है, हाउसेस एंड, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, हाउसेस एंड क्लॉथेस, घरों और कपड़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, अलग अलग प्रकार के घर बने होते हैं, किसी को झोपड़ी कहते हैं, किसी को बिल्डिंग कहते हैं, किसी को मिट्टी वाला घर कहते हैं, तो किसको किस कैटेगरी में रखा जाता है ये जानते हैं। और बच्चों हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज़ घर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमें रहने खाने जीने के लिए हमें रहने खाने और कपड़े की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में, इन दिस चैप्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टॉपिक of house and how they protect us from different climate, कि हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में जानेंगे और ये protect us, हमें बचाते हैं अलग अलग क्लाइमेट में, ये हमें किस तरह से बचाते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे वी नीड ए हाउस टू लिव इन, कि हमें एक घर की आवश्यकता क्या क्यों पड़ती है, रहने के लिए पड़ती है, क्योंकि हम लोग कहीं भी रहते हैं, दिन में तो हम कहीं भी रह लेते हैं लेकिन रात में हमें घर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पंछी भी देखेंगे, रात होती है, शाम होने लगता है, वो भी अपने घोंसले की तरफ लौट जाते हैं। जो गाय होती है, जिनको भी लीजिए, सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगते हैं। तो हमें वी नीड ए हाउस टू लिव इन, कि हमें घर की आवश्यकता रहने के लिए होती है, इसमें हम लोग रहते हैं। फिर द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, कोल्ड, स्टॉर्म एंड रेन, कि यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है किससे, हीट ऑफ द सन, कि सूर्य के गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, स्टॉर्म मीन्स आंधी से और बरसात से, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स, यह हमें जानवरों और चोरों से भी बचाता है। इट कीप अस सेफ एंड गिव्स अस कंफर्ट, यह हमें सुरक्षा और आराम प्रदान करता है। We see different kinds of houses around us, हम लोग अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के kinds of houses में होता है, अलग अलग प्रकार के घरों को देखते हैं, हम लोग अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के घरों को देखते हैं। Let us study about them, चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बच्चों पहला है कच्चा हाउस। जैसे भी हमने आपको बताया कि जब भी हम लोग अपने आस पास के एरिया में भी देखेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के घर मिलते हैं, जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्टील हाउस, इग्लूज, टेंट एंड कारवा, हाउस बोट, गुड हाउस, कि ये हुआ हमारे घरों के प्रकार, काइंड ऑफ हाउस के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो घरों के प्रकार होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उसको किस, हमारा घर है वो किस काइंड में आता है, किस प्रकार में आता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं कच्चा हाउस। कच्चा हाउस से ही हमें एक इमेजिन आ रहा है, कल्पना होती है कि कच्चा हाउस इज माइली फाउंड इन विलेज, कि कच्चा हाउस जो मुख्यतः गांव में पाए जाते हैं। इट इज मेड अप, देखिए हमारा पॉइंट्स है, हमने किस, हम लोगों को किस पे डिस्कस करना है।
स्ट्रीट हाउस। फिर आते हैं ड्यूज, फिर आते हैं डेंट एंड कार्वा। हमारे आसपास के एरिया में या हमारे भारत में किस तरह के घर बनते हैं, किस किस क्लाइमेट के अनुसार कौन कौन से कहाँ कहाँ पे कौन से घर बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए कई सारे हाउसेज हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्टील हाउस, इग्लो, टेंट एंड कारवा एंड हाउस बोट। देखिए पहले हम लोगों ने जाना कच्चे हाउस के बारे में कि इनको अधिकतर ये जो घर होते हैं कच्चा हाउस जो होते हैं, जो कच्चा घर होते हैं वो मुख्यतः गांव में पाए जाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मड, स्टिक एंड स्ट्रॉ। ये बनाए जाते हैं मिट्टी, लकड़ी और भूसों से बनाए जाते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, ये बहुत मजबूत नहीं होते हैं। जैसे इनको मिट्टी से पानी बसता है तो भी मिट्टी बहने लगती है, और स्टिक जो होते हैं वो पानी में खराब होने लगते हैं, स्ट्रॉ जो होते हैं भूसे जो होते हैं वो भी हवा में आदि में उड़ने लगते हैं, कभी कभी बारिशों में खराब हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये हमारे जो घर होते हैं बहुत अधिक मजबूत नहीं होते हैं। फिर पक्का हाउस इज माइनली फाउंड इट सिटी, कि पक्का हाउस मुख्यतः शहरों में पाए जाते हैं। इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन एंड सीमेंट। ये बनाए जाते हैं ईंटे, लोहे और सीमेंट से इनको ये बनाए जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग हाउस, ये मजबूत होते हैं, ये घर मजबूत होते हैं। फिर स्टील हाउस ए माइली फाउंड इन प्लेस वेयर इट्स देन अलर्ट, कि मुख्यतः ये स्टील के जो घर होते हैं पाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। दे आर मेड ऑन वुडन पोल्स, कि इनको ये बनते हैं लकड़ियों के खंभों से इनको बनाए जाते, लकड़ियों के खंभों पर इनको बनाया जाता है। फिर इग्लू इन आइस कोल्ड प्लेसेस पीपल कुड ब्लॉक ऑफ आइस मेक इग्लू, कि ठंडियों आइस कोल्ड जहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ के लोग आइस के जो ब्लॉक होते हैं उसको काट दिया जाता है, उसको इग्लू बनाया जाता है, उसी में वो लोग रहते हैं। ठंडी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, अरे ठंडी जहाँ जहाँ ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ पे ये बनाया जाता है। टेंट एंड कारवा पीपल हु रोम्स अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड पीपल हु रोम्स अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड नोमैड्स, की पीपल हु रोम्स, की वे लोग जो सफ़र करते हैं अराउंड फ्रॉम एक स्थान से दूसरे स्थान में पर सफ़र करते हैं आर कॉल्ड नोमैड्स, कि इनको खाना बदोसी कहते हैं, कि जो एक स्थान पे नहीं टिकते हैं जो अलग अलग हमेशा घूमते रहते हैं उन्हें नोमैड्स कहते हैं। दे लिव इन टेंट एंड कारवा, वे रहते हैं तंबू एंड
कारबा में रहते हैं। हाउस बोट, अब देखिए हाउस बोट, नाव, नाव पे बना घर, देखिए सम पीपल आल्सो मेक हाउस बोट, हाउस ऑन बोट, कुछ लोग जो बोट, नाव पे भी घर बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड हाउस बोट, इनको हाउस बोट कहा जाता है। ये है हमारे काइंड्स ऑफ हाउसेस हैं, बच्चा हाउस उनको अधिकतर गांव में पाया जाता है। किससे बनते हैं? मड, स्ट्रॉ एंड स्टील से इनको बनाया जाता है। ये अधिक मजबूत नहीं होते हैं। दूसरा है पक्का हाउस, पक्के हाउस को किससे बनाया जाता है? सीमेंट, आयरन और ब्रिक से इसको बनाया जाता है। ये हाउस मजबूत होते हैं। और स्टील हाउस जो होते हैं वो ऐसे जगह पर बनाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, और उसे वुड के पोल से के ऊपर इसको बनाया जाता है। फिर इग्लू, इग्लू, इग्लू को बर्फ के खंड को काट कर उसको बनाया जाता है, इसको इग्लू कहते हैं। फिर टेंट एंड कारबा, ये उन लोग बनाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं या सफर करते हैं, उनको नुमांड खाना बदोसी कहते हैं। ये लोग बनाते हैं। और फिर हम लोग आते हैं हाउस बोट, हाउस बोट क्या हो गया? सब कुछ लोग जो होते हैं वो हाउस बोट पे भी अपना घर, हाउस बोट पे भी अपना घर बनाते हैं। तो ये हमारी कैटेगरी होगी बच्चों हाउस की। फिर गुड हाउस, एक अच्छा घर कैसे बनता है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है, ए गुड हाउस शुड हैव ऑल द कंफर्ट एंड रिक्वायरमेंट्स, कि एक जो अच्छा घर होता है उसमें आराम के साथ पूरी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। दैट वी नीड इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि हमें इसकी डेली जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक अच्छा घर तभी रहेगा जहां हम रहते हैं, और हमें उसमें अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार उसको बनवाना चाहिए। और क्योंकि हमें इसमें डेली जीवन लाइफ जीने के लिए चाहता है। ए गुड हाउस शुड हैव टू फॉलोइंग फीचर्स, कि एक अच्छे घर में है फॉलोइंग फीचर, की निम्नलिखित प्रकार की बनावटें होनी चाहिए। तो पहला है ए गुड हाउस शुड बी एयरी एंड वेल मेन, एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड, कि हवादार और एरी मिस हुआ, हवादार एंड वेल वेंटिलेटेड मिस हुआ, कि जिसका पास हो सके, इसमें से हवा हमारी आती भी रहे। फिर इट शुड हैव सफिशिएंट विंडो एंड डोर, उसमें पर्याप्त खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए। इट शुड अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर कम इन, और उसमें सूर्य का प्रकाश और ताज़ी हवा आने के लिए उसे उसमें होना चाहिए। सनलाइट कीप द हाउस फ्री फ्रॉम जम्स एंड ड्राइज, क्योंकि सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश है कीप द हाउस, बचाता है घर को फ्री फ्रॉम द जम्स एंड ड्राइज, की कीड़े मकोड़े और धूल से वो हमें बचाता है। सेकेंड है कीप एंड फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्थी, कि साफ और ताज़ी हवा हमें स्वस्थ रखती है। डोर एंड विंडोज लेट फ्रेश एयर इन, कि जो खिड़कियां और दरवाजे होती हैं वह हवा को अंदर आने देती हैं। ए गुड हाउस शुड हैव फ्रेश एयर एंड एंजॉय द वार्मथ इन द विंटर सन, कि जो एक गुड हाउस, एक अच्छा घर शुड हैव फ्रेश एयर, कि एक अच्छा घर में ताज़ी हवा एंड एंजॉय द वार्म
द विंटर सन की ठंडियों में जो गर्मी, सूर्य के प्रकाश से जो गर्मी मिलती है उसका हमें आनंद मिलना चाहिए। इट इज आल्सो प्रोवाइडेड ए प्लेस फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले, और उसमें बच्चों के खेलने के लिए भी एक स्थान होना चाहिए, प्रदान करना चाहिए कि जैसे एयरी हो, वेंटिलेटेड हो और सब, और उसमें पर्याप्त खिड़की दरवाजे हों और जिससे सूर्य सनलाइट और फ्रेश हवा आती रहे। फिर क्योंकि कि जो जम्स होते हैं जो सनलाइट कीप अस हाउस फ्री फ्रॉम जम्प एंड ड्राई, कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह कीड़े मकोड़ों और सबको सुखाता और मारता है। क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप हेल्थी, और जो हवा फ्रेश ताज़ी और जो साफ और ताज़ी जो हवा होती है वो हमें क्या बनाती है, स्वस्थ बनाती है। और डोर एंड विंडो लेट फ्रेश एयर इन, जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो हवा को अंदर आने देते हैं। फिर एंड फ्रेश एयर इन्जॉय द वार्म एंड विंटर सन, इट प्रोवाइड ए प्लेस, और एक ऐसा मतलब कि बच्चों को खेलने के लिए भी एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए। तो बच्चों, हम लोगों ने भी घर के बारे में जाना कि घर कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छे घर में क्या क्या क्वालिटी होती है, इसके बारे में डिस्कस किया। और बच्चों, द विंडो एंड डोर्स है प्रॉपर वायर नेटिंग्स टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटो, कि जो खिड़की और दरवाजों में प्रॉपर वायर नेटिंग जो जाली वाली नेट होती है उसको लगाना चाहिए, जो तार वाली नेट होती है उसको लगाना चाहिए, जिससे कीप अवे दूर करती है फ्लाई और मॉस्किटो को अंदर नहीं आने देती है। दे आल्सो अलाउ सन एयर सनलाइट एंड एयर टू कम इन, ये हमेशा सूर्य और हवा को अंदर आने देती है लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अंदर आने नहीं देती है। फिर अ हाउस गुड शुड हैव प्रॉपर चिमनी फॉर द स्मोक टू गो आउट, दिस हेल्प इन कीपिंग द हाउस पॉल्यूशन फ्री, कि एक अच्छे घर में एक प्रॉपर चिमनी होनी चाहिए जिससे जो धुआं होता है वो बाहर निकल जाए। दिस हेल्प इज कीपिंग द हाउस पॉल्यूशन फ्री, इसकी सहायता से जो हमारा घर होता है वो प्रदूषण से मुक्त होता है। तो हम लोगों ने फोर क्वालिटी एक अच्छे घर के बारे में जाना। फिर फिफ्थ और सिक्स बच्चों, आपको कल बता दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सी यू टुमारो। बाय बाय।